बोर्ड एग्जाम में सबसे बड़ा जो चैलेंज है जो हर स्टूडेंट फेस करता है वह यह है कि हम अपने हर सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें, प्रॉपर टाइम अपने हर सब्जेक्ट को कैसे दें। अब इसका आप रूल समझ लीजिए, क्यों हर सब्जेक्ट को समय देना इंपॉर्टेंट है और क्या गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं, क्या गलतियां मैंने अपने एग्जाम में करी, क्या गलतियां आप करोगे या क्या आपके सीनियर्स ने आपके पिछले वाले बैचेस ने की है। देखिए, सबसे बड़ी बात, हमारे कुछ कोर सब्जेक्ट्स होते हैं उन पर हम ज्यादा टाइम देते हैं कंपेरिजन टू उन सब्जेक्ट्स के जो ज्यादा स्कोरिंग होते हैं और कम मेहनत की डिमांड करते हैं। अगर हम इस चीज को ना करें तो हम इस गलती से बचेंगे और अधिक से अधिक स्कोर करेंगे। और इसका रोल आपको तब समझ में आता है जब आपका रिजल्ट आता है तो आप यह देखते हो कि जिस सब्जेक्ट में आपने ज्यादा मेहनत करी थी, जो आपके कोर सब्जेक्ट थे जैसे मैथ, साइंस, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अगर इन सब्जेक्ट्स पर आपने ज्यादा मेहनत करी थी, उन सब्जेक्ट्स में उतने मार्क्स नहीं आए आपके कंपेरिजन टू उन सब्जेक्ट्स के जिन पर आपने बहुत कम ध्यान दिया, जिन पर आपने बहुत कम मेहनत करी। तो आप मेरी बातों को अब समझ गए होंगे। आज मैं आपका इसी विषय पर ध्यान देने वाला हूं। स्वागत है दोस्तों आपका एपिन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर और मैं आपका मित्र उज्जवल उपाध्याय। आज मैं आपसे बात करूंगा कि आप हर सब्जेक्ट को कैसे टाइम दें, कैसे अपने सब्जेक्ट्स के लिए टाइम निकालें ताकि आपका इक्वल वेटेज के साथ अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, अधिक से अधिक मार्क्स आए। सबसे पहले रोल समझ लीजिए। अगर आप मान लीजिए आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, मैं यह मान के चलता हूं कि आपके पास मैथ्स, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश और हिंदी, ये 5 से 6 सब्जेक्ट्स आपके पास सभी के पास होंगे, चाहे आप 10th में हो चाहे आप 12th में हो, अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे, कॉमर्स वालों के अलग, आर्ट्स वालों के अलग, साइंस वालों के अलग। मैं यहाँ पर आपको एक जनरल ओवरव्यू देता हूँ और आपको आज बताऊंगा कि आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होने वाली है। सबसे पहले जान लीजिए कि जब आपका रिजल्ट आता है तो सभी का 100 मार्क्स होते हैं, 80 मार्क्स होते हैं, जो भी मार्क्स होते होंगे, लेकिन सभी के इक्वल वेटेज होते हैं। और हम लोग गलती यह करते हैं कि कुछ सब्जेक्ट्स को एकदम इग्नोर कर देते हैं और एग्जाम के अंतिम क्षणों में उसको पढ़ते हैं। इसी वजह से हम उतने मार्क्स नहीं गेन कर पाते जितना हमने सोचा होता है। तो सबसे पहले क्या करिए, फिक्स योर टाइम टेबल फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, हर सब्जेक्ट के लिए आप समय निर्धारित कर लीजिए और ऐसा काम आप डेली करिए। देखिए, अगर आप ऐसा काम डेली नहीं करेंगे तो इग्नोरेंस आपके अंदर आता है और आप क्या करती हो कि आपको लगता है कि इसका सिलेबस कम है, मैं इसे कभी भी पढ़ लूंगा, यही गलतियां आप करते हो। इसी गलती से आपको बचना है, इसी गलती को आपको नहीं करना है। तो हर सब्जेक्ट को आपको डेली टाइम देना है। मैं आपको एक यहाँ पर एक सैंपल बता देता हूँ किस तरह से आपको टाइम को अपने अलॉट करना है। जैसे मैं क्लास 10th का एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं यह मानता हूँ कि पहले कोर सब्जेक्ट की मैं बात करता हूँ। देखिए, कोर सब्जेक्ट के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैं यह मानता हूँ कि आप 6 to 7 आवर स्टडी कर रहे हो। अगर आप एक दिन में 6 to 7 आवर स्टडी कर रहे हो सेल्फ स्टडी लेकर के, आप चाहे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑफलाइन क्लासेस से पढ़ते होगे, जैसे भी आपका मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, जैसे भी आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका होगा, आप जिस तरीके से पढ़ते हो, उसके लिए मैं ये मान के चलता हूँ कि आप 6 to 7 आवर स्टडी अपनी डेली कर रहे हो। तो देखिए, सबसे पहले आप अपने कोर सब्जेक्ट को निकालिए जो कि आपका है मैथ, साइंस और मैं मानता हूँ एसएसटी। ये 3 सब्जेक्ट क्लास 10th के लिए जर्नी माने जाते हैं कि कोर सब्जेक्ट्स हैं। इनका सिलेबस भी ज़्यादा होता है, लेंदी होते हैं सब्जेक्ट्स। तो देखिए, आपको करना ये है कि आपको 2 आवर्स देने हैं मैथ पर। हाँ, ये ध्यान से सुनिए, आपको 2 आवर्स देने हैं मैथ पर, आपको 1.5 आवर देना है साइंस पर और आपको 1.5 आवर देना है एसएसटी पर। अब आपके बचे 2 लैंग्वेज के सब्जेक्ट जो हिंदी और इंग्लिश हैं, इनको आप 1 आवर डेली दें। इससे आपको पता चल गया, इस तरह से अपने टाइम टेबल को आप स्प्लिट करें। मैंने आपको बता दिया, एसएसटी को आप 1 and 1.5 hour दे सकते हैं, 1.5 घंटे इनको दीजिए आप। तो देखिए, मैं फिर से बता देता हूँ, मैथमेटिक्स को आप 2 घंटे दीजिए, साइंस को आप 1.5 घंटे दीजिए और एसएसटी को आप 1 से 1.5 hour दीजिए। तो ये आपका 2, 3.5 और 5 घंटे इधर हो गए और 1 घंटे आप क्या करो, अपने इंग्लिश पर और हिंदी पर दो, ये 7 hours हो गए। इसके बाद आपको ये समझ में नहीं आता होगा किस टाइम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, तो मैं आज आपकी समस्या को पूरी तरह से सॉल्व कर देता हूँ। देखिए, जिस टाइम आपको टायर्डनेस फील हो उस टाइम आप उन सब्जेक्ट्स को पढ़िए जिनमें दिमाग लगता हो, जिनमें मेंटल प्रेशर ज्यादा लगता हो, जैसे न्यूमेरिकल्स टाइप के, जिनमें आपको इंटरेस्ट आता हो। ऐसा ना लगे आपको कि आपको नींद आ रही है, आप सोने वाले हो, आप उन सब्जेक्ट को सुने जिसमें आपको मजा आता हो, जैसे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, जैसे आप अकाउंटेंसी ले सकते हो, जैसे आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, आप मैथमेटिक्स सॉल्व कर सकते हो। तो उन सब्जेक्ट को लें जिस टाइम आप सोने वाले हो, जिस टाइम आपको नींद आ रही है, जैसे आप खाना खाने के बाद बेड पर जाते हो, पढ़ने के लिए बैठते हो, तो आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट लेते हो तो आपको नींद आने लगती है। तो इसी समय आपको 2 घंटे निकालने हैं और उस सब्जेक्ट को देना है। और अब बात आती है लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स को, और जो मैंने एसएसटी की बात करी, तो इन सब्जेक्ट्स को आप मॉर्निंग के टाइम दीजिए। जैसे कि आप साइंस को मॉर्निंग का टाइम दे सकते हैं, क्योंकि साइंस में आपको डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो आप मॉर्निंग का जो टाइम है वो साइंस के लिए निकालिए। अब आप जितने बजे भी उठते होंगे उससे आप 1.5 घंटे जोड़ करके साइंस के लिए निकालिए और
आपको लैंग्वेज के सब्जेक्ट के लिए भी समय निकालना है तो वो आप शाम के टाइम निकाल सकते हो, जब आप थोड़ा सा व्यस्त रहते हो, जब आपको टाइम मिलता है तो आप लैंग्वेज के सब्जेक्ट के लिए पढ़ो, हल्के मूड में आप इसको पढ़ सकते हो, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन आपका उस टाइम नहीं रहता है, आप थोड़ा सा डिस्टर्ब रहते हो, डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, उस टाइम आप लैंग्वेज के सब्जेक्ट को उठा लीजिए। और SST को कोशिश करें तो मॉर्निंग में उठाएं, क्योंकि SST में आपको लर्न करना है डाटा, फैक्ट्स, डेट्स, तो इसके लिए आपका मॉर्निंग का टाइम बहुत अच्छा रहेगा। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि आप जो भी टाइम टेबल सेट करें उसको दो दो के पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी मंडे ट्यूसडे का आपका टाइम टेबल आइडेंटिकल होना चाहिए, फिर आपका वेडनेसडे थर्सडे का आइडेंटिकल होना चाहिए, फ्राइडे सैटरडे का भी आपका सेम होना चाहिए, और संडे को अपना रिवीजन वाला डे रखिए कि मैंने जो 6 दिन पढ़ाई करी उसको मैं 6 दिन रिवाइज कर, 6 दिन मैंने जो पढ़ा है उसको मैं संडे के दिन रिवाइज करूंगा। और रिवीजन हमेशा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, सैंपल पेपर से, बोर्ड के जो पेपर्स पूछे गए हैं, मॉक टेस्ट सॉल्व करके इस तरह से चेक करा करिए, हमेशा चेक करिए कि क्या मैं जो पढ़ रहा हूँ उन क्वेश्चंस क्या वो बोर्ड में पूछे जा रहे हैं, क्या वो क्वेश्चंस उस टाइप के आते हैं। अगर नहीं आते हैं तो यही आपको आपका जो दिन है जो संडे आप दोगे अपने सेल्फ एनालिसिस के लिए, यही आपको इम्प्रूव करेगा और यही आपको आपकी बोर्ड एग्जाम की जर्नी में काम आने वाला है। लैंग्वेज के सब्जेक्ट में एक बार जान लीजिए, लैंग्वेज के सब्जेक्ट में अगर आप कम समय भी देते हैं, मान लीजिए आप 1 आवर नहीं दे पा रहे, आप 45 मिनट देते हैं और आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा उसके लिए भी आप 30 से 45 मिनट निकालते हो, लेकिन लैंग्वेज के सब्जेक्ट में आपको लेस टाइम देना है लेकिन क्वालिटी टाइम देना है। और इन सब्जेक्ट्स में जो मैंने आपको कोर सब्जेक्ट्स बताए इनमें आपको बहुत मेहनत करनी, जैसे आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स डीप हैं, ये ज़्यादा मेहनत की डिमांड करते हैं, तो इनका टाइम स्लॉट आप रिजर्व करिए कि आपको इस टाइम स्लॉट पे ही इसको पढ़ना है, और टाइम टेबल में बहुत ज़्यादा वेरिएशन मत लाइए। मतलब मंडे को अगर आप 9 बजे बैठते हैं तो ट्यूसडे को भी आप 9 बजे बैठिए, इससे क्या होता है कि दिमाग आपका एक बन जाता है, आपका दिमाग उस जोन में चला जाता है कि हाँ अब मैं इस टाइम पर बैठ रहा हूँ, ये मेरा टाइम है सीरियस होने का। तो दिमाग की प्रोग्रामिंग को भी आपको समझते हुए अपने टाइम टेबल को सेट करना है, ये नहीं कि आप रैंडम वे में सेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं, वैरायटी रखिए लेकिन आइडेंटिकल भी होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया दो दो दिन में आप स्प्लिट करो, मंडे ट्यूसडे, वेडनेसडे थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे, इस तरह से अगर आप काम करोगे तो आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग ये बनेगी कि हाँ मैं 9 बज रहा है, मैं मैथ्स पढ़ने जा रहा हूँ, अब मेरा दिमाग अलग तरह से फंक्शन करेगा, अब मुझे कॉन्सेंट्रेट हो जाना है, अब मुझे पूरी तरह से पढ़ना है, मैं साइंस पढ़ने जा रहा हूँ तो मुझे कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना है क्योंकि मैं लर्निंग के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग करने जा रहा हूँ, तो ये आपकी प्रोग्रामिंग बनती चली जाएगी। इसी तरह से अपने टाइम टेबल को आप सेट करके हर सब्जेक्ट को टाइम देते हुए, और जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको इस बात की खुशी होगी कि हाँ जो सर ने बताया था मैंने उस प्लान के अकॉर्डिंग काम किया और ये मेरा रिजल्ट है, देखिए मैं सब में इक्वल मार्क्स पाया हूं, या किसी में 1-2 नंबर आके पीछे, जिसमें मैंने नहीं सोचा था उसमें मेरे अधिक से अधिक मार्क्स आए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को टैप करिएगा। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।